प्लीज़ गृह मंत्री जी अमित शाह जी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग को ज्वाइनिंग दे दीजिए। हम लोग बहुत दिन से यहाँ भटक रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। प्लीज़ आपसे ये विनती है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती हम सभी कैंडिडेट से, सभी भाई बहन से, सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप हमें ज्वाइनिंग दे दीजिए। बहुत दिन से हम लोग यहाँ हैं, 3 साल की मेहनत हम लोग की लगी है, कोई सर कुछ रिस्पॉन्स दीजिए सर, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, अनुरोध है। नमस्कार साथियों, माननीय गृह मंत्री से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ 2018 SSC GD स्टूडेंट्स को ज्वाइनिंग लेटर दीजिए। मेरे मन में एक थोड़ा सा गुस्सा भी है, क्योंकि वो हमारे देश का माननीय गृह मंत्री जी है, उनका मान सम्मान को रखते हुए ध्यान पर उनसे विनम्रता से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अब तक 2018 SSC GD स्टूडेंट्स मेडिकल फिट कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं मिली है? क्या वजह है? सरकार अब तक क्यों उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दी है? सरकार को भी पता होगा कि पिछले 2-2.5 महीने से गृह मंत्री के दरवाजे पर वो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं ताकि उनको ज्वाइनिंग लेटर मिले। या तो आप एक डेट दे दीजिए, या फिर SSC 2018 GD स्टूडेंट्स का मेडिकल फिट कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग लेटर दे दीजिए। अब आते हैं हम वीडियो की तरफ। जैसे आप सब जानते हो, इस लॉकडाउन में भी मेरा पूरा कोशिश है कि SSC GD स्टूडेंट्स 2018 मेडिकल फिट कैंडिडेट्स का जो शांतिपूर्वक आंदोलन है उसको जिंदा रखने के लिए, तो मेरा पूरा कोशिश है कि उनका आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए, ताकि आप भी जान सकते हो कि वो किन हालातों में से गुजर रहे हैं। अब वहाँ से गांव से वो मुझे वीडियो भेज रहे हैं, मैं देख रही हूँ उनके गांव की परिस्थिति क्या है, और मैं तो देख ली हूँ। आप भी इस वीडियो को सुन लीजिए और देख लीजिए भी। चले हम वीडियो को देखते हैं और सुनते भी हैं। बहन, मैं शिपांगी बगड़ेकर, हम 2 महीने से दिल्ली में थे और हम SSC GD 2018 की कैंडिडेट हैं। हमने पहले रिटर्न, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पास किए, और फिर भी इसका रिजल्ट जो है 2021 को लगा है, तो इसमें हमारा लिस्ट में जो नाम नहीं है। हम ऑलरेडी मेडिकल फिट है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हमारा लिस्ट में नाम नहीं है। तो हम सरकार से एक ही प्रार्थना करते कि हमें हमारा ज्वाइनिंग लेटर दी जाए, क्योंकि अभी हम 2 महीने से दिल्ली में थे तो वहाँ से हमें वापस आना पड़ा है, क्योंकि वहाँ पर कोरोना का वजह से जो है लॉकडाउन लग गया है, तो उस कारण से हम दिल्ली में नहीं रुक सकते थे, इसलिए हम घर पे आए हैं। लेकिन घर पे आने का मतलब यह नहीं कि हम मुद्दा ही भूल गए, हम हमारा मुद्दा नहीं भूले हैं। हम फिर से दिल्ली आएंगे और बहुत बड़ी तादाद में आएंगे और प्रदर्शन करेंगे और सरकार तक हमारी बात पहुँचाएंगे कि हमें जो 2018 की विद्यार्थी है सभी को ज्वाइनिंग मिल जाए, और जितनी मेडिकल फिट है पहले इनको ज्वाइनिंग मिल जाए, फिर नई वैकेंसी। शुभांगी बगड़ेकर, SSC GD कैंडिडेट, 2 महीने से दिल्ली में थी, वहाँ पर कोरोना का लॉकडाउन लग गया है, तो उस वजह से हमको घर पे आना पड़ा है। लेकिन हम जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है हम दिल्ली आएंगे और बहुत बड़ी तादाद में आएंगे, क्योंकि ये प्रदर्शन हमारा है SSC के खिलाफ है, क्योंकि हमने जो 3 साल से मेहनत की थी इसमें, जैसे पहले रिटर्न एग्ज़ाम दी, फिर फिजिकल एग्ज़ाम दी, फिर मेडिकल दी, लेकिन इसके बाद भी हमारी ज्वाइनिंग नहीं आई है। तो हम सरकार से यही मांग रखते कि वो हमारी ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि हम मेडिकल फिट है और सरकार के पास पद भी खाली है। नित्यानंद राय जी ने संसद में बयान दिया था कि 1,11,000 पद खाली, तो हम उनमें से तो मतलब उस वैकेंसी में तो हम तो ऑलरेडी अलाउड आती है, क्योंकि 54,000 को बाहर कर दिया है। तो हम चाहते कि हमें ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि हम मेडिकल फिट है। प्लीज़ गृह मंत्री जी अमित शाह जी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग को ज्वाइनिंग दे दीजिए। हम लोग बहुत दिन से यहाँ भटक रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। प्लीज़ आपसे ये विनती है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती हम सभी कैंडिडेट से, सभी भाई बहन से, सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप हमें ज्वाइनिंग दे दीजिए। बहुत दिन से हम लोग यहाँ हैं, 3 साल की मेहनत हम लोग की लगी है, कोई सर कुछ रिस्पॉन्स दीजिए सर, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, अनुरोध है।